केवल लड़कों को मार रहा है इतना तेज तेज ना कि अगर वहाँ इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मिल जाए वो लोग तो उनको जिंदा काट के फेंक दे। अगर आपके साथ बैग है तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं लोग, जो एक ही जगह पे दो दो घंटे कंटिन्यू खड़ा होना पड़ रहा था। इस बस की सफर की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बासुकीनाथ के द्वार पे, जिला दुमका। यहाँ आने के बाद पता चला कि इसका नाम दुमका है जिले का। और देखिए हमारे साथ मिर्जापुर, हमारे एक भाई साहब साथ में थे, बड़ा मजा आया उनके साथ सफर करने में। मिर्जापुर सीजन फोर गाइस, मिर्जापुर यहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत कैसा लगा? एक नंबर बेटर। कमेंट करिए जाके वीडियो में, इनके बारे में दो शब्द लिखिएगा, एकदम लिखेंगे। और ये बहुत अच्छा अच्छा शब्द लिखेंगे, पूछ रहे लिखिएगा तो बस ये लिख दीजिएगा मिर्जापुर सीजन फोर। मिर्जापुर में अभी हम लोग बस से नीचे उतरते हैं दोस्तों, उसके बाद चलते हैं मंदिर के पास। बस से नीचे उतर के अभी हम लोग जा रहे हैं बासुकीनाथ मंदिर की तरफ और वहाँ जाके जल ढारेंगे। और पहली बार मैं जा रहा हूँ बासुकीनाथ, देखता हूँ वहाँ जाने के बाद कैसा है वहाँ का माहौल और आपको भी दिखाऊंगा। अंधेरा हो रहा है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग अपना कार्यक्रम खत्म करें। लोग अपनी अपनी पसंद की शॉपिंग कर रहे हैं और आप यहाँ आइए तो यहाँ से कुछ ना कुछ निशानी लेके जरूर जाइए, लोग लेके जाते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देखे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर आपके साथ बैग है तो यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहे हैं लोग, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं जवान, वो लोग बैग है तो उन लोग को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो यहाँ आना उनका बर्बाद हो जाएगा क्योंकि बैग रखने के लिए कोई काउंटर या वैसी कोई सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ तक आए हुए हमें लगभग एक घंटा हो चुका था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि सारी की सारी भीड़ रुक गई, रास्ता बंद हो गया। सूचना ये आया कि कपाट बंद कर दिया गया था, बाबा का आरती होने का समय हो गया था, तो लगभग डेढ़ से दो घंटे के लिए पूरी भीड़ रुक चुकी थी और हम लोग एक ही जगह पे लगभग डेढ़ से दो घंटे तक खड़े रहे, फिर थोड़ा सा चले और फिर लगभग आधा से एक घंटा तक, तो लगभग दो से अढ़ाई घंटा एक ही जगह खड़े रहे। प्रवेश कर चुके हैं दो अढ़ाई घंटे की मेहनत के बाद। हालत खराब हो गया था, सामने मंदिर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग जल ढारेंगे। बहुत मेहनत लगा यहाँ पे, बहुत परेशान होना पड़ा, दो दो घंटे तक कंटिन्यू एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ा, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इतना मेहनत करने के बाद हम लोग दो ढाई घंटे बाद मंदिर तक पहुंच गए, काफी खुशी हो रही है। एक ही जगह पे दो दो घंटे कंटिन्यू खड़ा होना पड़ रहा था। पुलिस वाले धड़ाधड़ मार रहे हैं वहाँ पे, बहुत तेज धड़ाधड़ ये सब कमीने पुलिस वाले मार रहे हैं वहाँ पे।
बेहूदा हो गए हैं ये सब। इतना मेहनत करने के बाद जब आप मंदिर में पहुंचते हैं तो एक सेकंड भी रुकने नहीं दिया जाता है, और पड़ाक पड़ाक केवल लड़कों को मार रहा है इतना तेज तेज ना कि अगर वहाँ इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर मिल जाए वो लोग तो उनको जिंदा काट के फेंक दे। हम सभी लोग बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करके बाहर निकल चुके थे और थोड़ा सा दुखी भी हुए थे पुलिस वालों के डंडे के वजह से। बाहर निकलने के बाद हमने देखा कि सभी श्रद्धालु आरती उतार रहे थे। जो लोग आरती उतार के पूजा करना चाहते थे वो आरती के द्वारा कर रहे थे, जो लोग अपने मन से इच्छा मांगना चाहते थे वो लोग दोनों हाथ जोड़ के भगवान से गुहार लगा रहे थे। चलिए हम लोग का आना सफल हो गया, हम लोग बैजनाथ धाम गए और वहाँ देवघर में बाबा बैजनाथ के ऊपर जल चढ़ाए, उसके बाद बासुकीनाथ आए और यहाँ भी जल चढ़ा लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें बासुकीनाथ में हुई, दो दो घंटे एक ही जगह पे खड़ा रहना पड़ा। और अब हम निकलेंगे वापस घर के लिए। यहाँ पे काफ़ी मेला लगा हुआ और काफ़ी खचाखच भीड़ है, आप आ सकते हैं। और यहाँ पे दुकानें हैं, किस चीज़ की दुकानें हैं, प्रसाद की, पूजा पाठ से रिलेटेड सारे सामानों की। और यहाँ भी एक तालाब है, उधर लेजर तो चलता है जो हम लोग नहीं देख पाए, लेजर तो चलता है और उसमें बाबा बैजनाथ धाम का और बासुकीनाथ धाम का कहानी वीडियो के रूप में चलता है पानी के फाउंटेन के ऊपर। बासुकीनाथ से निकलने के बाद अभी जाके हम लोग पहुँचे हैं लगभग आधा घंटा पैदल चलने के बाद मेन रोड पे, और यहाँ से ऑटो या फिर बस मिलेगा हमें जसीडीह जाने के लिए या फिर देवघर जाने के लिए। सामने है मेन रोड, अब चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है हमें। दोस्तों बासुकीनाथ से बाहर निकलने के बाद हमें ऑटो मिल गया, हम लोग एक ऑटो रिजर्व करके वहाँ से डायरेक्ट जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आ गए। और जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आने के बाद प्लेटफॉर्म पर आके सो गए थे हम लोग रात भर, क्योंकि हम लोग की ट्रेन सुबह 5 बजे की थी इसलिए हम लोग सो गए थे और आराम से बेफिक्र होकर सो गए थे, क्योंकि सारे भोलेनाथ के भक्त थे और हमारा सामान था, रख के सो गए। सीधे 5 बजे उठे, 5:10 की ट्रेन थी और अभी हम लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं अपनी बक्सर के लिए वापस। और ये हमारे बगल में राधे भाई हैं, राम महादेव, राम महादेव, अपनी पूरी टीम है उधर, बाकी नीचे लोग हैं, टीगर भैया, सब लोग हैं। हम चलते हैं बक्सर और मिलते हैं बक्सर में। दोस्तों एक बार फिर से हमारी नींद पूरी हो चुकी है, एक बार फिर से हमारी नींद पूरी हो चुकी है और हम उठ चुके हैं, आरा क्रॉस किए हैं अभी दानापुर, अभी दानापुर क्रॉस किए हैं और 2 घंटे लगेंगे हमें जाने में, 2.5 घंटे बक्सर। और चलते हैं थोड़ा सा ट्रेन का दिखाते हैं कि ट्रेन में क्या क्या सिचुएशन इस समय है। दोस्तों हम लोग बक्सर पहुंचने वाले हैं, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है लगभग, अब रुकने वाली है। ये बाबा की यात्रा अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग भी बाबा बैजनाथ धाम का दर्शन करना चाहते हैं, जो जा नहीं पाते हैं उनको दिखाइए। फुल यात्रा वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगला वीडियो गुप्ता धाम का बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं गुप्ता धाम के वीडियो में या फिर किसी अदर ट्रेवल वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हर महादेव, हर महादेव।